नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई डॉक्टर राज साइकिल बाबा विश्व साइकिल यात्री एक बार फिर आ गया हूँ भाई। अभी मैं हूँ इजिप्ट में, इजिप्ट की कैपिटल सिटी कायरो में। और कायरो में मुझे आए को आज चौथा दिन हो गया है। आज जा रहा हूँ मैं सूडान एम्बेसी में। सूडान एम्बेसी का वीज़ा लेना है, कैसे मिलेगा क्या मिलेगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। और कल हमारा प्रोग्राम है इंडियन एम्बेसी में छोटा सा, और उसके बाद में हम यहाँ से निकल जाएंगे। और कुछ आसपास की चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। अब मैं जा रहा हूँ पहले सूडान एम्बेसी में, सुबह के 9 बज गए हैं। और हॉस्टल का टूर भी मैं इसी वीडियो में आपको दूंगा, तो और बताऊंगा कि कितने पैसे में मुझे मिला है। और अगर मेरी जर्नी को लाइव अपडेट देखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी मैं यहाँ पे लिख दिए भाई। थोड़ी सी मुझे आप लोगों की सपोर्ट भी चाहिए, मुझे चाहिए आप लोगों का प्यार ट्विटर पे भी, क्योंकि ट्विटर एक ऑफिशियल हैंडल होता है जहाँ पे मुझे मेरे काम करने में सहूलियत हो जाएगी अगर आप लोगों का प्यार वहाँ मिलता रहेगा। सो गाइस, मास्क कंपलसरी है यहाँ पे। और अभी मैं जा रहा हूँ सूडान एम्बेसी में, और मैंने ऊबर किया। ऊबर का जो प्राइस है वो 23 पाउंड लिया, इजिप्शियन पाउंड चार। आप इजिप्शियन पाउंड को जब भी मैं बोलूँ तो लगभग 4.5 रुपये में आप उसको काउंट कर लीजिएगा। 4.5, मैं 5 ही लगाता हूँ रफ आइडिया खर्चा वर्चा लगा के, तो 23 का 5 हो गया 100 रुपये के आसपास की मुझे ये जो टैक्सी है ये मिली है। और वहाँ से अब देखते हैं कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने ये डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ मैं, जो कि वहाँ जाके दिखाऊंगा और पता करूँगा कि कैसे क्या मुझे वीज़ा मिल सकता है। वीज़ा की वेट कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट मैंने जमा करवा दिए, पैसे जमा करवा दिए। वो बोले कि अभी दे देंगे 3 बजे, 2 या 3 के बीच में आपको मिल जाएगा पासपोर्ट, सूडान का वीज़ा। प्रोसेस तो मैं घर जाके बताऊँगा। चाय पी रहा हूँ भाई, पास में एक चाय वाली दुकान थी, चाय ले ली है। और गली में छोटी सी 3-4 कमरों की ही सूडान की एम्बेसी है यार ये, तो ये जो पीछे है यहाँ पे मैंने फ़ोटो स्टेट करवाया, बिल्कुल पास में ही फ़ोटो स्टेट करवा दिया इस दुकान के ऊपर। और अपना चाय का आनंद लूँ और फिर आप लोगों को बताऊँगा कि क्या क्या ज़रूरत है डॉक्यूमेंट में। सब्जी वाला आ गया सब्जी बेचने घोड़ा गाड़ी पे। दोस्तों पासपोर्ट हमें वापस मिल गया, वीज़ा लग गया हमारा, 90 डेज़ का वीज़ा हमें मिल गया है। अब हम जा रहे हैं हॉस्टल की तरफ वापस। आपको बता दूं कि वीडियो के आखिरी में मैं आपको पूरे वीज़ा के प्रोसेस के बारे में बताने वाला हूं। सो गाइस, अल्टीमेटली हमने अपने तन्नों को तैयार कर लिया, सामान सारा पैक कर लिया है और हम निकलने की कर रहे हैं तैयारी अभी। और आज हम अभी जाएंगे एम्बेसी में अपना सारा प्रोग्राम वोग्राम करके, और फिर हम रुकेंगे अभी तो यहाँ पे कायरो में 2-3 दिन के लिए, और पर यहाँ से इस हॉस्टल को छोड़ देंगे। तो मैं सोच रहा था जाने से पहले इस हॉस्टल का थोड़ा सा आपको टूर करवा दूं। ये 6 बेड हैं यार ऐसे, इस ये बेड मेरा था, ये नीचे है, इन्होंने सीढ़ियाँ लगा रखी हैं ऊपर जाने के लिए। और व्यू बड़ा अच्छा है इस हॉस्टल का, आप देखोगे तो ये म्यूज़ियम है, इजिप्ट का म्यूज़ियम जिसमें मम्मीज पड़ी हैं। बाकी दोनों सारी तैयार कर ली थी, अभी फ्लैग हमें इंस्टॉल करना है। इसके लिए मुझे चाबी चाहिए थी, वो चाबी मुझे मिल नहीं रही थी, तो अभी चाबी ढूंढ रहा हूँ और फिर कोई इसको इंस्टॉल करेंगे भाई। बाकी सब तैयार है, और सामने रिसेप्शन में 2-3 रूम हो गए, इधर किचन में। क्या हाल है? तो भाई ने मुझे इजिप्शियन सिखा दी है, थोड़ी थोड़ी अरबी सिखा दी है। सो गाइस, मैं जाने की तैयारी कर चुका हूँ, धनों को मैं आपको दिखाता हूँ। उससे पहले मैंने ब्रेकफास्ट है, और ये ब्रेकफास्ट इन हमारे जो हॉस्टल का ब्रेकफास्ट है, अच्छा ब्रेकफास्ट देते हैं यार। ये स्ट्रॉबेरी है, ये फलाफल है, ये आलू मैश किया हुआ है, ये राजमा है, और ये फ्रूट है, ये ब्रेड होती है। ये यहाँ पे गरीब हो चाहे अमीर हो, ये ब्रेकफास्ट ये ही रहेगा उनका सर का। सो और साथ में जूस दे देते हैं, एक चाय दे देते हैं। ये मेरा पिछले 4 दिन से ब्रेकफास्ट था, मैं 4 दिन हॉस्टल में रहा हूँ। सूडान वीज़ा मैंने तैयार कर लिया है और बाकी काम में थैंक यू शुक्रान और धन्नो तैयार है। और मैं ब्रेकफास्ट निपटा के और निकलता हूँ, मुझे जाना है एम्बेसी में। एम्बेसी में थोड़े से काम है वो निपटा के, और फिर हम कायरो दिखाना बात तो दिखाएंगे। वेट एंड वॉच प्लीज़, थैंक यू, बाय बाय शुक्रान। सो गाइस, इंटरनेशनल ट्रिप के लिए धन्नो तैयार हो गई है 1 साल के बाद में। या साइकिल बाबा इज द बेस्ट। यस, कांटेक्ट नंबर
सो गाइज ये तो अम्बेसी थी हमारी, अम्बेसी में सब लोगों से मैं मिल लिया हूँ, वार्तालाप कर लिया है और अब सब लोग जा रहे हैं वापस अंदर की तरफ और मैं अम्बेसी से फ्लैग ऑफ लेके और अब अपनी जर्नी जो है ऑफिशियली हम स्टार्ट कर रहे हैं केप टाउन की तरफ। पर हम कायरो से अभी निकलेंगे नहीं, कायरो से निकलने में अभी 3-4 दिन लगेंगे, तो अगले 2-4 वीडियोज़ में आपको मैं घुमाऊँगा और कायरो या फिर यहाँ इजिप्ट की जो चीज़ें हैं वो दिखाऊँगा भाई। तो मिलता हूँ रोड पर, निकलता हूँ अम्बेसी से एक बार। सो दोस्तों ये है नील नदी जिसके के पहले दर्शन मैं आपको करवा रहा हूँ और दूसरी बात बता दूँ कि ये जो वो जगह है वो इंडियन फ्लैग दिख रहा होगा आपको, ये इंडियन एम्बेसी है। नील नदी के बिल्कुल कॉर्नर पे इंडियन भारत भवन बना हुआ है और बहुत प्यारा बना हुआ है पुरानी बिल्डिंग के अंदर। और नील नदी के पहली बार दर्शन करा के अच्छा लग रहा है आप लोगों से बात करके। और अपनी दन्नो भी ये देखो पीछे खड़ी है। तो अभी हम एक बार हॉस्टल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से शायद कुछ दोस्त आएंगे, आज मैं उनके पास शिफ्ट हो जाऊंगा, हॉस्टल में छोड़ दूंगा आज भाई। नील नदी को आप ये कह सकते हो कि अफ्रीका की गंगा मैया है और विश्व की सबसे लंबी नदी है भाई। तो मैं आ गया हूँ भाई, हॉस्टल में तो गया नहीं, मैंने दन्नों को यहाँ पे सामान उतार दिया है और ये हमारे साथ हैं। बड़ा सा नाम है इनका, नाम बताऊँ इनका, नाम है इनका सद्दाम, सद्दाम हुसैन नाम बड़ा जबरदस्त ले रहा भाई। और बिहार से हैं भाई और यहीं पे रहते हैं इजिप्ट में। और एक हमारे गोविंद भाई हैं जिनसे हमारी बात वार्तालाप हुई, तो रात को हम मिले थे लेट नाइट 10-11 बजे चाय पिए ना, फिर बोले कि भैया हमारे पास ही आ जाओ, हॉस्टल छोड़ो, तो हम इनके पास आ रहे हैं और अभी हम ऊपर जाएंगे इनके रूम में, दन्नों को खड़ी करेंगे, दन्नों का सामान तो उतार दी। प्रॉब्लम क्या, यहाँ लिफ्ट बड़ी छोटी छोटी है तो लिफ्ट में सामान दन्नों जाएगी कि नहीं वो देखने वाली बात है। और पहले सामान वामान ठीक करके चेक करके रखता हूँ और फिर चाय पियेंगे यार। और यार जब से आया हूँ ना जो बढ़िया वाली चाय मिली नहीं, तो भाई भाई के पास आके भाई ने चाय भी बड़ी प्यारी बनाई है। फाइनली हम चाय पी रहे हैं यार बहुत दिनों के बाद में, मतलब ऐसा लगता है ना कि चाय तो बहुत टाइम हो गया है। खैर तो दोस्तों अब हम बात करते हैं सूडान वीज़ा की। सूडान वीज़ा मुझे कैसे मिला, मैं वहाँ पे अम्बेसी में पहुँचा, अम्बेसी में जाके देखा तो बाहर सिक्योरिटी वाले खड़े थे बहुत सारे और अम्बेसी 3-4 कमरों की एक फ्लैट से में बनी हुई थी। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पैर रखने की जगह नहीं थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सूडानी लोग आए हुए थे भाई, जो कि अपना कोई बिजनेस के अटेस्टेशन के लिए, कोई मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए, सब काम वहाँ पे अम्बेसी में हो रहा था। मेरे को 3-4 जगह भेजा, इधर से जाओ, इससे बात करो, इससे बात करो, लैंग्वेज बैरियर वहाँ पे था। और फिर मुझे एक एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया कि आप इस फॉर्म को फिल करो, मैं फॉर्म फिल किया, उसमें रिक्वायरमेंट थी इनविटेशन लेटर, कि इनविटेशन लेटर चाहिए। तो मैंने सोशल मीडिया पे पूछा था किसी से कि भाई इनविटेशन लेटर के लिए क्या करना होगा, तो उन्होंने बताया था कि भाई आप किसी होटल को बुक कर लो और उस होटल का नाम उस इन्विटेशन लेटर वाली जगह पर डाल दो। तो मैंने वही किया और 2 फोटो लगे मेरे, और 2 पासपोर्ट था उसकी फोटोकॉपी और 1 इजिप्ट का वीज़ा था उसकी फोटोकॉपी। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, सिर्फ इतने डॉक्यूमेंट चाहिए उन्होंने, ना ही तो मेरे से रिटर्न टिकट मांगी, ना ही मेरे से बैंक स्टेटमेंट मांगी, कुछ भी नहीं मांगा। और ये 3-4 डॉक्यूमेंट मैंने दिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो अफ्रीका के लिए कही जाती है यार, कि या तो यहाँ पे आपके पास पैसा हो और या आपके पास टाइम हो। तो सूडान वीज़ा के केस में क्या हुआ भाई, मेरे पैसे थोड़े से ज़्यादा लग गए। अगर यही वीज़ा मैं एसवान करके कोई सिटी है वहाँ से लेता तो $100 में मिलता, यहाँ मुझे पे करने पड़े $150। पर एसवान में मुझे सिर्फ $100 में मिल जाता, पर वहाँ मुझे 15 दिन वेट करना पड़ता और 15 दिन का ही मेरा वीज़ा जो है, क्योंकि मैं इजिप्ट में एक बार में सिर्फ 30 दिन रुक सकता हूँ, मल्टीपल एंट्री का है तो 30 दिन के लिए मुझे एक बार में स्टे मिल सकता है। तो भाई मैंने यहाँ पे $150 मेरी फीस जमा कराई। अफ्रीकन कंट्रीज में एक बहुत बड़ी समस्या है, यहाँ पे वीज़ा फीस बहुत ज़्यादा है। $100 में तो मैंने US का वीज़ा ले लिया था यार, और यहाँ $150 US 10 साल का वीज़ा दे देती है सिर्फ $100 में, और इन्होंने 3 महीने का वीज़ा दिया मुझे $150 में। थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना पड़ता है अम्बेसी में, अम्बेसी में वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी और ये वीज़ा उन्होंने मुझे दे दिया भाई। और देखो स्टैंप 1, 2, 3 तो स्टैंप लगा रखे हैं इन्होंने। मैं 11 बजे गया था और 3 बजे तक उन्होंने मेरे वीज़ा प्रोसेस करके पूरा स्टिकर बना के और लगा के और दे दिया। तो 3-4 घंटे का प्रोसेस था। अगर यही वीज़ा मैं एसवान से लगाता या किसी और कंट्री से लगवाता तो मुझे सस्ता भी मिल जाता, पर उसके लिए मुझे 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, पता नहीं कितने दिन वेट करवा देते हैं ये लोग।
तो ये प्रॉब्लम है। तो ये जो कहावत है ना, कि एक छोटी सी कहावत है कि अगर आप अफ्रीका में आते हो, या तो आपके पास टाइम हो या फिर पैसा हो, तो सिद्ध होती है कहीं ना कहीं। बट इजी था यार, सबसे अच्छी जगह। यूएस वीजा के टाइम में मेरे से एक क्वेश्चन पूछा गया था, या तो इन्होंने क्वेश्चन भी नहीं पूछा, और जो होटल का एड्रेस है वो भी मैंने तो ऐसे ही भर दिया था बुक करके टेम्परेरी। सूडान कैसा रहेगा कैसा नहीं, वो लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं सूडान के प्रति, पर मुझे लगता है कि सूडान मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर गर्मियां वहां भी शुरू हो चुकी है ऑलरेडी, मैं देख रहा था कल टेम्परेचर तो 37 डिग्री टेम्परेचर शो कर रहा था। तो नेक्स्ट हम जल्दी ही निकल जाएंगे, जो कि नई शुरू होने वाली है, जिसका नाम हमने कायरो टू केपटाउन रखा है। कायरो टू केपटाउन साउथ अफ्रीका, कायरो पड़ता है इजिप्ट में, इजिप्ट से साउथ अफ्रीका तक ईस्टर्न कोर्ट से हम जाएंगे, और वापसी हम वो रखेंगे, उसका नया नाम रखेंगे। तो व्हील्स फॉर ग्रीन की इस जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर। तो भाई आज का वीडियो इतना ही था, मेरे पास ज़्यादा कुछ था नहीं, और कल के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ गीजा के पिरामिड, और यहाँ से निकलने की तैयारी करता हूँ। तब तक खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। जय हिंद, वंदे मातरम।